नमस्कार, फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। राजस्थान की विधानसभा में जब दो महिला विधायक गन्ना उठाकर प्रदर्शन करती दिखाई दी तो बड़े आश्चर्य का विषय था। आखिर में पहली बार महिलाओं को किसानों की मांग को लेकर आवाज़ उठाते हुए देखा गया था। आखिर में कौन थी वो महिलाएं? क्यों किसानों की आवाज़ महिलाओं को उठानी पड़ी और क्यों किसानों की आवाज़ महिलाओं ने उठाई, इस सब का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है जमींदार पार्टी की विधायक और उसकी विधायक दल की नेता भी कामिनी जिंदल। कामिनी जी, इस बार बड़ा जब आपको गन्ना हाथ में लेकर प्रदर्शन करते हुए देखा गया तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। आखिर में क्या डिमांड करने जा रही हैं? क्योंकि बड़ा आश्चर्यजनक था कि महिलाएं आमतौर पर किसान और किसान फसल और कृषि को लेकर कभी आवाज़ उठाती हुई देखी नहीं गई हैं। मैं सबसे पहले आपको और सभी व्यूवर्स का नमस्कार करती हूँ। और बिल्कुल आपने सही कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाएं बैठी किसानों के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हम जिस क्षेत्र में आ गए हैं, जिसे कि आप लोग राजनीति कहते हैं, सब लोग राजनीति कहते हैं, तो एक राजनीति के अंदर ये भी हिस्सा है कि आप कोई भी चीज़ जो है, कोई भी मुद्दा है, वो जेंडर सेंट्रलाइज नहीं है। कोई भी मुद्दा आप उठा सकते हैं। और जहाँ तक किसानों की बात है, जमींदारा पार्टी किसानों की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा हमेशा तत्पर रही है। और हम वहाँ से विधायक हैं और गंगानगर से विधायक हैं हम। गंगानगर एक ऐसा क्षेत्र है जो राजस्थान के अंदर कृषि प्रधान क्षेत्र है। आज अगर उस क्षेत्र के किसान ही पीड़ित हैं तो बाकी राजस्थान के किसानों का क्या हाल होगा, हो रहा होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कामिनी जी, आमतौर पर क्या लगता है कि जब कोई महिला नेता गन्ना उठाती है तो शायद चीनी सस्ती करने की मांग कर रही होगी, ऐसा लगता है? आपकी क्या डिमांड थी? नहीं, चीनी तो तब बनेगी जब वहाँ पे कोई आगे मशीन चलेगी। देखिए, ये शुगर मिल जो है, ये गंगानगर में जो पुरानी लगाई गई थी वो कम से कम 130 साल पुरानी थी। अब उसको सरकार ने, जब पिछली बार भाजपा सरकार आई थी तो उन्होंने तब ये कहा था कि हम इस शुगर मिल को नया बनाएंगे 80 करोड़ की लागत से, लेकिन जब दोबारा आने के बाद सरकार ने काम चालू किया तो वो राशि बढ़कर 180 करोड़ हो गई। तो उसका इन्होंने ये तर्क दिया कि ये जो शुगर मिल बनने जा रही है इसकी प्रोडक्शन 3 गुना होगी। इसकी एवेज में किसानों को 25% ज्यादा बुआई करने के लिए इन्होंने एनकरेज किया, उनके साथ बॉन्ड किया। और ये कहा गया कि ये इतनी ऑटोमेटिक मशीन है कि आप यहाँ पिराई करते हुए भी बटन दबाएंगे तो वहाँ बैगों में भर के आपके चीनी आ जाएगी। लेकिन जब चीनी, देखिए, जब बनती है, शुगर मिल चलती है, पूरे साल में सिर्फ 4 महीने चलती है। और इस शुगर मिल को मैडम शिलान्यास करने आने वाली थी, लोकार्पण करने आने वाली थी, आई नहीं। वो इसलिए क्योंकि मशीन एक दिन भी नहीं चली। 180 करोड़ की लागत से ये जो मिल बनी ये 80 घंटे भी नहीं चली है। क्या कारण? वो इसलिए कि जो भी मशीनें हैं वो सारी, किसी पे भी मार्का नहीं है, इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये मशीनें या तो पुरानी है या जहाँ से भी लाई गई है ये मशीनें सही नहीं है। अब मंत्री जी ने ये कहा भी हम पंजाब में जाकर गन्ना बेचेंगे। क्यों बेचेंगे पंजाब में जाकर गन्ना, जब आपने यहाँ बुआई कराई है तो उसके ट्रांसपोर्ट का चार्ज कौन देगा? अब किसान 3 महीने से तो यहाँ बैठा रहा, अब 1 महीने में वहाँ पे जाके लाइन में खड़ा होगा तो उसका मुआवजा कौन देगा? तो आगे आपकी पार्टी और आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि ये तो इस बार तो हो सकता है कि पंजाब में जाके बेच दें, लेकिन क्या अगली बार फिर किसान को दोबारा पंजाब जाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। और मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ और आश्वस्त करती हूँ कि इस बार भी जाने नहीं दूंगी। क्या लगता है, सरकार मान जाएगी आपकी बात? सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसमें भ्रष्टाचार की परतें खुलते हुए सामने आ रही हैं। और अभी भी जो, अगर मंत्री जी भागे हुए गए हैं वो इसीलिए गए हैं क्योंकि जो ऐसा आपने कहा ना, दो महिला विधायक, टीटी साहब खुद गए हैं वहाँ के मंत्री। अच्छा, दो महिला विधायक पहली बार बैठी हैं किसानों की आवाज़ को लेकर, तो इसीलिए इस बार भागते हुए मंत्री जी गए हैं। और बिल्कुल सरकार इस पे करेगी और करना पड़ेगा। इस बार कहा जा रहा है कि वसुंधरा जी ने जो बजट रखा पड़ा किसानों के लिए बहुत अच्छा है, आपको क्या लगता है? क्योंकि किसानों के नाम पे, कृषि के नाम पे, खेती के नाम पे बहुत घोषणाएं हुई हैं, क्या लगता नहीं है कि काफ़ी कुछ किसानों को संतुष्ट करने के लिए किया गया? नहीं, संतुष्ट तो मुझे लगता है किसान को चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि किसान आज सभी वर्गों में से सबसे पीड़ित वर्ग है, तो वो मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं विपक्ष में हूँ या किसी एक राजनीतिक दल की हूँ, वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आम आदमी भी देख कर ये बता देगा। आज जिस हिसाब से जो हमारा महंगाई बढ़ रही है ना, उसके अगर अनुपात में हम देखें तो किसान को कहीं भी अपनी फसल का लाभ नहीं मिल रहा है।
कहीं भी उसको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जो पहले पहली सरकार के अंदर, पहले समय के अंदर, पिछली सरकार में जो गेहूं के ऊपर बोनस दिया जाता था इन सारी चीज़ों को मीट आउट करने के लिए, हालांकि वो भी पूरा नहीं था पर फिर भी कुछ ना कुछ दिया जाता था, वो इस सरकार ने आते ही बंद कर दिया। यानी आपका मानना है कि पिछली सरकार की बजाय ये सरकार और किसानों के खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ है। और उसके बाद जो भी सब्सिडी दी जाती थी, यूरिया की दिक्कत है या जो भी है, सिर्फ लाइनें लगती रह जाती हैं, उपलब्ध कुछ भी नहीं होता है। अब गंगानगर के अंदर बहुत बड़ा बड़ा इन्होंने कैंपेन किया और मोदी जी खुद आए, और गंगानगर क्योंकि कृषि प्रधान जगह है राजस्थान के अंदर, तो वहाँ पे सॉयल हेल्थ कार्ड इन्होंने इशू किया। लेकिन सॉयल हेल्थ कार्ड उसको साल हो चुका है और अभी तक किसानों तक तो सॉयल हेल्थ कार्ड पहुंचा नहीं है, और अगर पहुंच भी गया होगा तो वो उसका करेंगे क्या, क्योंकि जो भी लेबोरेटरी है टेस्ट करने की वो अभी तक बंद पड़ी है, वहाँ पे कोई भी कर्मचारी नहीं है, लोगों को इसके बारे में जागरूकता ही नहीं है। तो ये सिर्फ लोगों के आगे ढोसले दिए गए हैं और कुछ नहीं है। तो किसान सच में पीड़ित है। अगर आज पानी की समस्या है तो उचित पानी नहीं मिल रहा है, बिजली पूरे समय नहीं आ रही है। सवाल ये है कि आपका सब्जेक्ट महिला अधिकार हो सकता था, युवाओं का विषय हो सकता था, शिक्षा हो सकता था, महंगाई हो सकता था, लेकिन आपने किसान क्योंकि किसान एक ऐसी चीज़ है जिसको समझना बड़े बड़े नेताओं के भी बस के नहीं है, और आपका तो बैकग्राउंड भी खेती का नहीं है। नहीं, बैकग्राउंड मेरा बिल्कुल खेती का है। मैं एमए एमफिल कर चुकी हूँ और हमारी जो इंडस्ट्री है, हम मूलतः ऐसे ही परिवार से हूँ जो खेती से जुड़े हुए हैं, और हमारी अगर ग्वारगम की इंडस्ट्री है तो वो भी डायरेक्ट पहले किसानों से ही, किसानों के थ्रू ही आता है। और हम लोगों ने जब किसानों के हालात देखे, किसान हमारे पास आते थे और उन्होंने ये बताया कि हमें उचित मूल्य नहीं मिलता है, और हमारा ये जो गंगानगर का क्षेत्र है, बीकानेर, इसी संभाग में ज़्यादातर ग्वार होता है, तो उसके अंदर जब हमें ये पता चला कि वहाँ पर भी जो किसान है उसको उचित मूल्य नहीं मिल रहा और किसान मतलब अपनी आशा खो रहा है, जब बीज दिया फ्री, तो हमने उसमें देखा कि ग्वार का प्राइस जो है, जब लोगों का वो खर्चा बच गया तो उनकी थोड़ी सी बेटरमेंट हुई। तो उसे हमें लगा कि नहीं, किसान को ऐसा नहीं है कि हम ये कहते हैं कि अगर वो पीड़ित है तो उनको कभी ऊपर उठाया ही नहीं जा सकता, जाया सकता है अगर उनके लिए कुछ किया जाए। तो करना जो है वो तभी किया जा सकता है जब आपके पास एक पेन पे लिखने की अपनी लोगों की आवाज़ जो इसके लिए कर सकते हैं, सरकार तक पहुंचाने में आपने काबिलियत हो, तो बिल्कुल जमींदारा पार्टी बनी और मैं खुद लोगों के सहयोग से विधायक बनी ताकि आज विधानसभा में उनकी आवाज बुलंद। तभी जमींदारा पार्टी को ग्वारगम पार्टी कहते हैं। ग्वारगम से निकली है ये पार्टी? नहीं, ग्वारगम की देखो वहां से सिर्फ एक कहीं से सोच तो आनी चाहिए ना, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको स्ट्राइक करे। तो आज अकेला जो ग्वार उगा रहा है वही किसान पीड़ित नहीं है, किसान तो सारे पीड़ित हैं, लेकिन फोकस बाकियों पर तभी गया जब हमने उनकी पीड़ा को समझा। कामिनी जी, क्या लगता है कि इस बार जो वसुंधरा जी का जो बजट रखा गया, उसमें क्या लगता है कि कौन सी बातें हैं जो आपको बड़ी ठीक लगी, या कोई ऐसी बात जो आपकी पार्टी आप चाहती थी और वो उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं है, वो वसुंधरा जी ने उस बात को छोड़ दिया, क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो बजट आया है वो जो भी पुरानी बातें थी उसके अंदर सिर्फ लिपस्टिक बिंदी का प्रयोग हुआ है, सिर्फ मेकअप किया गया है, चीज़ें वही की वही हैं। मिला पहले भी कुछ नहीं था आम जनता को, मिला आज भी कुछ नहीं है। अगर हम बात करें, जैसे इन्होंने अभी पिछले साल एक स्कीम चलाई थी सेंट्रल उसके तर्ज पर, आदर्श ग्राम योजना, तो उसमें सारे विधायकों ने आदर्श ग्राम चूज़ कर लिए और बहुत बड़ी बड़ी बात की गई थी कि आदर्श गांव बनाएंगे, उसके बाद पंचायत और उसके बाद जो विधानसभा है वो आदर्श हो जाएगी, इस तरह पूरा राजस्थान आदर्श हो जाएगा। इस बार उसको भूल ही गए। अभी तक वो जो हमने चुना था उसके लिए सिर्फ सर्वे ही चल रहा है कागजों में, बजट कहीं भी नहीं आया है। नहीं आया बिल्कुल भी, और इस बार तो बजट में भूल ही गई है कि आदर्श गांव भी कोई। कामिनी जी, ये देखा जाता है कि जब हम लोग विधानसभा में जाते हैं कवरेज के लिए जाते हैं, तो पता लगता है कि आप सहित सारे विधायक ऐसे मसले उठाते ही नहीं है, चुपचाप बैठे रहते हैं। ऐसा क्यों है? जब आदर्श ग्राम योजना सक्सेस नहीं है तो विधानसभा में इसकी आवाज़ क्यों नहीं है? मैं नहीं जानती कारण, पता नहीं व्यक्तिगत भी हो सकते हैं या जो भी है, मतलब पार्टी के लेवल पे आके शायद आवाज़ उनकी दबा दी जाती है। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगी कि अगर आपको पार्टी की टिकट या पार्टी के चुनने की बात नहीं है, बात यह है कि आपको लाखों लोगों ने चुना है। आज अगर आप उनकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो आप उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आपकी ओर से भी क्यों नहीं उठती ये आवाज़? नहीं, मेरी तरफ से हमेशा उठती रही है, और अभी जब मेरा अभिभाषण पे था उसमें भी मैंने ये बात कही है, और अभी बजट पे हम लोग जब वाद विवाद करने वाले हैं उसमें भी हम यही बात करने वाले हैं कि जो आपने योजनाएं चलाई थी जिसमें आपने लोगों को गुमराह किया था, आज तक अभी आपने उसके लिए बजट ही नहीं दिया। कामी जी, आप
के परिवार कंपनियां भी चलाता है, आप उसमें डायरेक्टर भी होंगे, एजीएम में भी जाती होंगी, एजीएम में और विधानसभा में कोई ज़्यादा अंतर नज़र आता है क्या? वहाँ भी एजीएम में भी थपथपाते हैं मेजों को और विधानसभा में भी थपथपाते हैं, कोई ज़्यादा अंतर नज़र आता है क्या आपको? देखिए, अंतर ये है कि विधानसभा के अंदर पूरे प्रदेश की बात हम कर रहे हैं और उसके अंदर ये हमारा दायित्व है कि हम बात वही पर जो दिखाई देता है जो रियलिटी में, उसमें कोई अंतर नज़र आता है? नहीं, उसमें अंतर तो नहीं है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें सबके व्यूज़ अलग होते हैं और सारे जो हैं मतलब अपने अपने क्षेत्र की बात करने के अलावा पूरे प्रदेश की भी कर सकते हैं, तो इसमें आपके पास एरिना बहुत बड़ा होता है बात करने के लिए। करते हैं विधायक, आपको क्या लगता है विधायक विधानसभा के उस अधिकार का प्रयोग कर पाते हैं, बातचीत करते हैं, बोलते हैं, या केवल व्हिप के डर से और नेता के डर से और नेता की आँख के डर से चुपचाप बैठे रहते हैं? देखिए, जो सच में जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं वो करते हैं और जो नहीं करना चाहते हैं वो नहीं भी करते हैं, पर मैं तो ये मानती हूँ कि करनी चाहिए क्योंकि आपको इसी के लिए ही चुना गया है। अगर अभी आप आवाज़ नहीं पहुँचा पाएंगे तो आप कब बोलेंगे? कामिनी जी, आप फर्स्ट टाइमर हैं विधानसभा में, बहुत अच्छे और कड़वे अनुभव दोनों ही रहे होंगे आपको, आपके इन अनुभवों पर चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। We'll be right back.